हेलो स्टूडेंट, आज का जो मेरा सेशन है वो एनडीए 1 2020 19 अप्रैल के लिए है। हमारे पास आज, अगर आप सेशन सुन रहे हैं तो आज से लगभग 56 डेज बचे हुए हैं, यानी मेरे हिसाब से आज से 50 दिन बचे हुए हैं, क्योंकि आखिरी के 5-6 दिन पहले आपको क्या करना है वो बताना है। पर ये सेशन मैं आपके साथ जो ले रहा हूं ये बहुत यूजफुल सेशन होगा। इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि लास्ट 50 डेज करना क्या है, और साथ में एक क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच भी डिस्कस करेंगे। मैं एक एक टॉपिक्स पे आपके साथ वर्क करूंगा, स्पेशली फॉर मैथ्स, कि मैथ्स में आप कैसे स्कोर करें, और उन पूरे टॉपिक्स के क्वेश्चंस को हम कवर करते चलेंगे, किस टॉपिक का कितना वेटेज है, कौन से टॉपिक्स को आप कवर करें, क्योंकि एनडीए 2 के बाद 2019 एनडीए 1 के लिए इस बार हमारे पास टाइम कम है। दूसरा, अगर आप 12th में हैं तो भी आपके पास टाइम कम है। अब कुछ स्टेट के ही अभी एग्जाम 12th के एंड हुए, सीबीएसई के तो एग्जाम भी एंड नहीं हुए। ऐसे में लिमिटेड टाइम में हम क्या ऐसा प्रिपरेशन करें कि हम एक अच्छा स्कोर कर सके। तो ये पूरा सेशन एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपके साथ इसमें एनडीए 2 2019 का पेपर डिस्कस करूंगा, और अब इस तरह के सेशंस मैं आपके साथ रेगुलर लूंगा, एवरी वीक लूंगा, जिससे कि आप अपने आप को बहुत ही फोकस होके पॉजिटिव माइंड से एक अच्छा रिजल्ट दे सके। घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक पॉजिटिव तरीके से सोचने की जरूरत है। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं कि 19 अप्रैल को, अगर तो पहले मैं एक बेसिक बात करूं कि आप मैथ्स और जीएटी के लिए क्या करें, फिर मैं आऊंगा एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका वेटेज एनडीए के पेपर में सबसे हाईएस्ट है, उस टॉपिक के साथ ही मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। और मैं केवल 2019 का पेपर ही नहीं, और भी पेपर्स आपके साथ डिस्कस करूंगा, और यह भी बताऊंगा कि लास्ट 5 डेज आपको क्या करना है। तो एक एक बात को हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो अच्छा रहेगा। नंबर वन, हम बात करें कि अभी से अगर हम देखें तो हमारे पास लगभग 57 डेज हैं, पर हम 57 की जगह 50 डेज की बात करेंगे, क्योंकि एक वीक हमको पूरी तरह से अपने आप को आइसोलेटेड करना है। एक बात दूसरी, अगर आप 12th अपेयरिंग स्टूडेंट है तो बिल्कुल ना घबराएं, बल्कि इन सेशंस का, अगर आप 12th अपेयरिंग स्टूडेंट है तो भी आपको बहुत एडवांटेज होगा। आप अपनी 12th की पढ़ाई पे फोकस करिए, और उस 12th की पढ़ाई के साथ ही आप अच्छे स्कोर को कैसे करेंगे वो बताऊंगा। ये छोटे छोटे सेशन होंगे, बट ये सेशन इतने यूजफुल होंगे कि मैं आपको एक बार श्योरली बोल सकता हूं कि मैथ्स में आप 100% कट ऑफ क्लियर कर लेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। बस वह शर्त है कि आपका फाउंडेशन या बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, कैसे वो बताता हूं। सबसे पहले हम बात करें कि हमारे पास लगभग 50 दिन का समय है। हम करीब करीब 12th अप्रैल के बाद, मतलब मेरा मानना है कि 12th से 15 के बीच में आपको अपने आप को 100% फ्री करना है। 12th तक कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। 13, 14, 15, 16 और 17 में क्या करना है वो मैं आपको समझाऊंगा आज पेपर की टेक्निक के साथ। 18 पूरा रेस्ट डे होगा, इस दिन आपको पूरा रेस्ट करना है, और 19 को आपको पेपर देना है। किसी भी एग्जाम में अगर आप एक प्रॉपर वेल प्लान के साथ स्टडी करते हैं तो उसमें सक्सेस होने के चांस हमेशा कंपेयर टू ज्यादा ही होंगे। तो एक वेल प्लान तरीके से पढ़ाई करना है, एक पॉजिटिव माइंड से पढ़ाई करना है। सबसे पहले बात करें हम मैथ्स की, तो मैथ्स में अगर हम बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत बड़ा पार्ट है। करीब करीब एवरी ईयर 12 टू 14 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के ही होते हैं, यानी अगर मैं देखूं तो करीब करीब 30 टू 40 मार्क्स के बीच में ट्रिग्नोमेट्री होता है। और ट्रिग्नोमेट्री बिना स्ट्रांग किए आप कैलकुलस भी स्ट्रांग नहीं कर सकते, और कैलकुलस भी देखूं तो 40 से 60 मार्क्स का होता है। अगर हम लॉजिकली देखें तो 300 मार्क्स में एवरी ईयर कोई भी बच्चा 120 प्लस जब भी लेके आया है तो वो कट ऑफ क्लियर करके निकला है। अभी कई बार तो 100 तक भी गया है, और मैं ये सेशन आपके साथ इसलिए ले रहा हूं कि मैं कोशिश करूंगा और मैं चाहूंगा कि आप अपने स्कोर को यहां पर 200 तक ले जाएं, क्योंकि दो चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, बार बार बताता हूं, कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। एक है मिनिमम कट ऑफ और एक है टोटल ओवरऑल कट ऑफ, इन दोनों को हमें क्रॉस करना है। तो जीएटी में भी ऐसे ही अगर हम समझें, अगर हम जीएटी में भी ऐसे ही समझें तो मिनिमम लगभग 150 के आसपास हमें लाना है, पर इन दोनों को हम जब जोड़ते हैं तो 270 होता है, और नॉर्मली 330 से 350 के बीच में कट ऑफ जाता है। इसका मतलब हम और नंबर कहां से कमा सकते हैं। तो दो चीजें हो सकती, या तो हम मैथ से नंबर स्कोर करें या जीएटी से। मैथ से स्कोर करना ज्यादा आसान है, इसलिए आप ये कोशिश करें कि आप इस ढंग से पढ़ें कि 150 के आसपास, 150 से 180 के आसपास अगर आप मैथ्स में ले आए, और करीब करीब 150 से, अब 180 ही ले लीजिए, कट ऑफ की तरफ ना जाएं, 180 की तरफ आप जीएटी लेके आ गए,
तो ये होता है 360, यानी आप मिनिमम और ओवरऑल कट ऑफ दोनों को क्रैक कर लेंगे। इसके ऊपर जितना करेंगे वो आपके लिए बोनस होगा। आप लोग पिछले कई दिन से बोल रहे थे कि सर एनडीए पे सेशन ले, मैं रुका इसलिए था कि कुछ चीजें मुझे आपके साथ डिस्कशन करनी थी, और अब वो समय आ गया है। क्योंकि अब इस समय, क्योंकि मेरे पास देखिए क्या होता है, आज मैं देखूं तो आज इम्पीटस गुरुकुल से ऑनलाइन बच्चे जुड़े हुए हैं, लाइव क्लास से जुड़े हुए, क्लासरूम से जुड़े हुए, और इंडिया के हर जगह के लगभग बच्चे जुड़े हुए हैं, और डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट के भी बच्चे आए हुए हैं। तो जो मैंने चीजें ऑब्जर्व करी, ये पेपर का डिस्कशन क्यों कर रहा हूं मैं बताऊंगा, जो चीजें मैंने ऑब्जर्व करी है कि कई बार बहुत सारा पढ़ा हुआ होता है बच्चों ने, पर उनके बेसिक्स क्लियर नहीं होते, या बेसिक क्लियर है तो क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच नहीं है, क्वेश्चन को किस टेक्निक से करना चाहिए। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताऊं कि 2020 सितंबर वाला जो एग्जाम है एनडीए 2 का, उसके लिए अभी से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए। उसका बैच हम लोग 4 मई को करेंगे, पर आपको मैं बताऊं उसके लिए अभी से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए, और कई बच्चों ने सोचना चालू कर दिया कि इस बार टाइम कम है तो हम एनडीए 2 के लिए ही फोकस करें। मैं आप सबको एक बात बोलना चाहूंगा, ये मैसेज देना चाहूंगा कि अभी आप ऐसा ना सोचें। अगर आप एनडीए 1 के फॉर्म फिल करें हैं, आप अपना एनडीए 1 पे फोकस रखें, और ये जो मैं आपके साथ सेशन ले रहा हूं इनको बहुत अच्छे से देखिए, सुनिए और समझिए, आपको इसका फायदा होगा, मैं बिल्कुल श्योर हूं। मैं पिछले 2-3 साल से जो सेशन ले रहा हूं उसके बाद जब बच्चे पेपर देके निकलते हैं और जो मैंने बातें बोली हैं वो बिल्कुल उसी समय जब मुझे रिप्लाई देते हैं, मैसेज करते हैं कि सर आपकी एक एक बात सही निकली, तो बहुत अंदर से खुशी होती है। वही चीज आप भी ध्यान रखिए। तो इसलिए आप बहुत ही पॉजिटिव माइंड से समझिए, सुनिए और देखिए, फिर आप डिसाइड करिए। तो अभी आपको एनडीए 2 के लिए नहीं सोचना है, ये मेरा पर्सनल सजेशन है आपको। आपने इनकेस फॉर्म ही नहीं भरा है, ऐसे भी बच्चे हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने, जिनकी एज नहीं हुई है, ऑब्वियसली उनके पास एनडीए 1 देने का स्कोप नहीं है, इसलिए वो एनडीए 2 के लिए। इनफैक्ट कुछ बच्चे 12th के पेपर के बाद 1 मंथ के क्रश कोर्स के लिए भी मुझसे बात करी, पर हम लोग क्रश कोर्स नहीं लेते हैं। उसका रीजन है कि मेरा ये मानना है कि 1 मंथ के शॉर्ट टाइम में हम पूरे सिलेबस को करवाने की अगर कोशिश करेंगे तो कई बार जो आता है वो भी हमारे कंसेप्ट बिगड़ जाते हैं, ये मिस्टेक नहीं करनी। लिमिटेड टाइम में हमेशा वो स्टडी करना चाहिए जिससे आप कम समय में ज्यादा स्कोर कर सके। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए, परेशान मत होइए, बल्कि जो जो टॉपिक्स आते हैं, क्योंकि आपने 12th का एग्जाम दिया है, जो जो टॉपिक आते हैं उनको अच्छे से आप कवर करिए, और जिन टॉपिक पे आपका कमांड है उन पे रिजल्ट देने की कोशिश करिए, ना कि जिन पे कमांड नहीं है उनको पढ़ने की। तो अगर आपके 12th के बाद 15-20-25 दिन या 1 महीने मिलते हैं और आप एनडीए 1 का एग्जाम देने वाले हैं, तो जो कुछ पढ़ा है उसको कैसे समराइज करना है, कैसे पेपर को सॉल्व करना है, ये मेरे सेशंस आपको हेल्प करेंगे, वो कोशिश करिए। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि अभी ये जो मेरे सेशन है, ये सेशन डेफिनेटली आपको 200 प्लस तक ले जा सकते हैं, अगर आपने पॉजिटिव माइंड से समझा और जो जो बातें मैंने बोली हैं उन पे वर्क करना चालू किया बेस पर। अब बात आती है जीएटी से स्कोर कैसे किया जाए। हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करें, 600 नंबर का जीएटी, हम 300 नंबर के तो बेस्ट दे ही सकते हैं, 300 नंबर का मैथ से हम 200 नंबर का तो कोशिश कर ही सकते हैं, ना हम 100% की बात करें, प्रैक्टिकल रियलिस्टिक बात करें। अब एक ही सब्जेक्ट ऐसा होता है जीएस जो आपने स्कूल स्टडी के साथ नॉर्मली नहीं पढ़ा होता। अगर आपको न्यूज़पेपर रीडिंग वगैरह की आदत है तो अच्छी बात है, आपने पढ़ा होगा, पर अगर आपको न्यूज़पेपर रीडिंग की आदत नहीं है तो ये प्रॉब्लम्स रहती है, क्योंकि करंट अफेयर्स के लिए हमें सब जरूरत पड़ती है। और आप में से कुछ बच्चों ने पूछा था कि सर आप करंट अफेयर्स पढ़ना बंद कर दें, तो मैं बोलूंगा अभी नहीं, 15 मार्च के बाद बंद करना है, 15 मार्च तक तो करना ही है। तो आपको जीएस में करीब करीब 200 मार्क्स का पेपर है, इंग्लिश आप क्योंकि 11th 12th तक क्लास 1 से लेकर इंग्लिश 12th तक पढ़ते हैं तो इंग्लिश आपका एक सब्जेक्ट होता है, तो इसमें आप अगर सही मायने में देखें तो एनडीए का इंग्लिश का लेवल बहुत अच्छा होता है, बेसिक लेवल पे होता है, आप 100 के आसपास स्कोर कर सकते हैं, यहां पर भी 100 के आसपास स्कोर कर सकते हैं। फिजिक्स 100 मार्क्स का आता है, ट्राई करें करीब करीब 50 मार्क्स का, केमिस्ट्री 50 मार्क्स का आता है। देखिए मैं सभी में आपको बोल रहा हूं कि आप 50% की तैयारी करें, अपने आप आपका 300 हो जाएगा। अब फिजिक्स जो है बिल्कुल बेसिक लेवल का होता है, जो कि 11th का होता है थोड़ा सा और 10th लेवल का होता है, और केमिस्ट्री तो 9th 10th का ही होता है, बायो भी 9th 10th का होता है, और इसके लिए बेस्ट बुक अगर कोई है तो एनसीईआरटी की बुक ही आपके लिए सबसे बेस्ट है, एनसीईआरटी की बुक और प्रीवियस ईयर के पेपर। इवन हिस्ट्री सिविक्स इकोनॉमिक्स वगैरह के लिए भी, आपको जीएस के लिए भी एनसीईआरटी की बुक हेल्प करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको सजेशन दूंगा 6th to 10th या एटलीस्ट 8th to 10th की बुक आप जरूर ले लें, वो आपको बहुत काम आएगी। तो एक प्रॉपर तरीके से अगर सोचेंगे, ये सुन के आपको लग रहा होगा ये बातें नहीं, मैं आपको रियलिस्टिक बता रहा हूं कि क्या करना है,
ये अगर आप एक पॉजिटिव तरीके से सोचेंगे, एक सही माइंड से प्रिपरेशन करेंगे, तो अभी भी पॉसिबल है कि आप एनडीए वन में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। दूसरा, अपने एटीट्यूड को टूवर्ड पॉजिटिव रखिए, मतलब एनडीए या डिफेंस, एनडीए सीडीएस एपकेट जितने भी एग्जाम है, बहुत अलग एटीट्यूड वाले बच्चों के लिए होते हैं, जिनका कैलिबर, जिनके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग डिसीजन पावर बहुत स्ट्रांग होती है, वही लोग फाइनली एसएसबी क्वालिफाई कर पाते हैं। तो एनडीए रिजल्ट आने के बाद भी बहुत लोग रिजेक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि वो एटीट्यूड नहीं लेते जो उनको रिक्वायर्ड है। आप कितने फास्ट हैं, कितनी डिसीजन पावर है, वो देखना है। याद रखिए, अगर मैं आईआईटी से एनडीए का कंपेयर करूं तो बहुत अलग तरह का एग्जाम है, लेवल कम होता है। आईआईटी में देखिए, मैथ्स के 30 क्वेश्चन होते हैं, यहां 120 होते हैं, यानी 4 times ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। अब बात आती है कि ऐसा क्यों है, क्या रीजन है कि 120 क्वेश्चन देते हैं, उसका रीजन है। आपको 120 क्वेश्चन में, यहां पर क्वेश्चन का लेवल अलग होता है, काफी कंसेप्चुअल होते हैं, बहुत अलग तरह की प्रिपरेशन करनी होती है, पर एनडीए में आपको बेस प्रिपरेशन अच्छी करनी होती है। दूसरा, वो 120 क्वेश्चन जो उन्होंने दिए हैं, उनमें से आपको वो चाहते हैं कि आप सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस करें, क्योंकि देखिए आप डिफेंस में जा रहे हैं, आपको बहुत सारी, आप क्योंकि आर्मी में जा रहे हैं या एयरफोर्स में जा रहे हैं या नेवी में, उसमें भी ऑफिसर रैंक पे जा रहे हैं, आपको एक टीम को संभालना है, कब क्या करना है, किस समय क्या डिसीजन लेना है, क्या सही है क्या गलत है, ये चीजें डेवलप करने के लिए कई बार कुछ एग्जाम में, तो यहां पर 120 क्वेश्चन का एक पर्पज होता है कि आप उनमें से वो क्वेश्चन पहले करें जो आपके लिए फेवरेबल है। आप सोचिए कि अगर आप 60 क्वेश्चन करते हैं तो आप 150 नंबर लाते हैं, और 150 नंबर का मतलब होता है कि आप कट ऑफ से काफी ऊपर है, यानी आप हर दूसरा क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। और अगर आप 200 प्लस लाना चाहते हैं तो हर 3 क्वेश्चन में, बहुत ही सिंपल सा रेशियो है, हर 3 क्वेश्चन में से आप 2 करिए 1 छोड़ दीजिए, यानी अभी भी आप लॉजिकली देखिए कि हर 3 क्वेश्चन में आपके पास एक क्वेश्चन छोड़ने का स्कोप है, यानी 80-40 का आप रेशियो रख सकते हैं, 80 अटेम्प्ट करें 40 छोड़ दें। पर अभी मैं अगर बात करूं लिस्ट की कि आपने 60 भी छोड़ दिए तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आप 100% कट ऑफ तो क्लियर कर लेंगे, स्कोर भी बढ़ा लेंगे। यानी अगर दोनों के हम 50-50 की कोशिश करें तो भी देखिए 300 जीएटी के और 150 इसके, दिस इज 450, कोई रीजन नहीं है कि आप अच्छा रैंक के साथ सिलेक्ट होंगे। अब बात आती है कि अभी हम ये मान लेते हैं कि 80 मेरा, मैं आपको जिस लेवल पे आपको ये कंसेप्ट डेवलप करूंगा वो 80-20-40 का रेशियो होगा, यानी आप 3 क्वेश्चन में से 1 छोड़ सकते हैं, 2 अटेम्प्ट कर सकते हैं। पर अभी मैं लीस्ट साइड चलूं कि हम 50-50 की बात करें तो कैसे और क्या करना चाहिए वो समझाऊंगा, जो आपको आगे बढ़ाएगा। अब बात आती है कि 3 में से 2 क्वेश्चन करने हैं और 1 छोड़ने, वो छोड़ने वाला क्वेश्चन कौन सा, यही एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है हमारे लिए। अगर वो छोड़ने वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया तो कई बार हम देखिए, बिल्कुल सीधा लॉजिक है 80-40 का, अगर मैं जो बोलता हूं कि अगर आपने ये ड्रॉप वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिए तो हो सकता है आप 30-20 क्वेश्चन करके निकले। ऐसा होता है, कई बच्चों ने जिन्होंने एग्जाम दिए होंगे वो मेरी ये बात सुनकर एकदम क्लिक कर रहा होगा कि हाँ यार, हम तो पूरे इतने समय बैठ के भी 20-30 कर पाए, ऐसा क्या रीजन रहा। तो इस चीज को समझिए आप कि अगर आपका क्वेश्चन का सिलेक्शन अच्छा नहीं हुआ तो आप ऐसे में उलझ सकते हैं। तो अगर मैं अभी 50-50 की बात करूं, अभी जैसे साल 2020 है, वैसे अभी मैं बात करूं 50-50 की, तो 50-50 का मतलब है हर एक क्वेश्चन के बाद 1 छोड़ सकते हैं, पर ड्रॉप क्वेश्चन और अटेम्प्ट क्वेश्चन की क्लियरिटी बहुत अच्छे से आना चाहिए कि कौन से अटेम्प्ट करने हैं और कौन से ड्रॉप करने हैं। अगर ये क्लियर है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको एंट्रेंस एग्जाम से क्वालिफाई होने से रोक सकता है। और जब एक इस एटीट्यूड के साथ पढ़ाई करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, तो वो चीज आपके एसएसबी में भी काम आती है, क्योंकि एसएसबी कोई एग्जाम नहीं होता। सबसे अच्छी बात है एनडीए 2 के रिजल्ट के बाद अब तक यहां पर 2 बच्चों का एसएसबी कंप्लीट फाइनलाइज का क्वालिफाई हो गया है, अभी मैं मिलवाऊंगा भी उनसे। ये अपने आप में अचीवमेंट वाली बात है कि इतने कम समय में हर बार एसएसबी में बच्चे सिलेक्ट होते हैं। और मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं कि एसएसबी मतलब आपकी रियल लाइफ स्टाइल है, आप जो एक्चुअल में है वही चीज वो चेक कर रहे हैं, और एक्चुअल में आपको वैसा होना है जैसे एक ऑफिसर के अंदर क्वालिटी होती है। यानी आप हमेशा बोलते हैं, हमेशा सुनते हैं कि 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटी क्या होती है, वो एसएसबी के लिए पता होना चाहिए। मैं बोलता हूं पता नहीं होना चाहिए, वो क्वालिटी आपके अंदर होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर वो अंदर है तो आप सिलेक्ट होंगे, 100% सिलेक्ट होंगे, कोई रोक नहीं सकता आपको।
तो आपको ये बात समझनी है इस बार अभी तक, क्योंकि अभी सभी के डेट अलग अलग टाइम पे चल रही है, तो अभी सारे बच्चों के एसएसबी नहीं हुए, पर सबसे अच्छी बात है कि जितने बच्चों के हुए एसएसबी उसमें दो का फाइनली सिलेक्शन हो गया है। पांच बच्चे ऐसे हैं जो कॉन्फ्रेंस आउट हुए हैं, जबकि स्क्रीनिंग में सबसे ज्यादा आउट होते हैं, पर अभी भी उसमें भी पांच बच्चे यानी फाइव डे बाद आउट हुए हैं, यानी ये अपने आप अचीवमेंट है, आगे देंगे तो वो भी क्वालिफाई कर लेंगे। तो वही चीज आपको डेवलप करनी है, तो छोटी छोटी चीजें जब यहाँ पे बच्चे आते हैं वो डेवलप करते हैं तो उसके उनको फायदे मिलते हैं, और वही चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप भी इस बात को समझिए। इस पेपर का मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा, और मैंने आपको अभी बोला कि मैं कुछ टॉपिक पे, जैसे मैं अगर बात करूं ट्रिग्नोमेट्री की, तो इस पे वर्क क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आना दो रीजन से जरूरी है, एक इससे पूरी कैलकुलस बनती है और इसके क्वेश्चंस भी ज्यादा आते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और यहां पर मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बोल पा रहा हूं, क्योंकि जिन बच्चों को जो यहां आते हैं उनको मैंने देखा है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स उनके साथ हैं या क्या क्या चीजें वो कहीं क्लियर नहीं करते, यानी बेस क्लियर नहीं होने से कई बार इस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो आपको घबराना नहीं है, बल्कि इसको ध्यान से सुनिए। अब जब आप पेपर दें तो पेपर में मैं हमेशा ये बोलता हूं, जो टॉपिक आपके फेवरेबल हैं पहले उनके क्वेश्चन ही देखें फिर बाकी पेपर देखें। पर होता यह है कि जब हमारे हाथ में पेपर आता है तो हम अक्सर वो क्वेश्चन ज्यादा देखते हैं जो नहीं आते। हम सोचते हैं एक बार ट्राई मार लेते हैं, शायद हो जाए, जो आता है वो तो बाद में कर लेंगे, पर आप भूल जाते हैं घड़ी साथ में चल रही है, आपके पास टाइम लिमिटेड है, उसी टाइम में करना है, एक एक सेकंड कीमत रखता है, हर सेकंड को सेव करना है, हर स्टेप को सेव करना है। ये चीजें सिखाऊंगा मैं आपको कि स्टेप सेविंग सबसे बड़ी चीज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि हम कैसे स्टेप को सेव करें, कैसे क्वेश्चन को सिलेक्ट करें। जैसे मैंने अगर अभी बोला ट्रिग्नोमेट्री, तो मैं इस पेपर का ट्रिग्नोमेट्री देखूंगा, तो जिन टॉपिक को आप एग्जाम में पढ़ के जाएं आप केवल उन्हीं टॉपिक को देखेंगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं वन बाय वन करता हूं और आपको बताता हूं कि लगभग कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन देखें, तो क्वेश्चन है इफ, कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो 9th 10th के कंसेप्ट पे बनेंगे, कॉसेक थीटा इज 29/21, यहां पर ये गिवन है 0 to 90, में क्वेश्चन लिखता चलूंगा, आप देखिएगा सॉल्यूशन टाइम को काउंट करेंगे तो मुश्किल से 10-20-30 सेकंड में क्वेश्चन होता है। आपसे बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 sec theta + 4 tan theta, राइट। अब समझिए कि यहां पर 0 से 90 एक राइट ट्रायंगल दिया है, कॉसेक दिया तो भी कंफ्यूज मत होइए, यानी साइन अपॉन कॉस है, तो ये 21 हो गया, ये 29 हो गया, तो 841 - 441 यानी ये 400 से 20 हो गया, क्वेश्चन खत्म। तो 4 sec theta क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो 29/20, 4 tan theta 21/20, देखिए 20 LCM आ गया। अब क्या होता है, कई बार हम मिस्टेक क्या करते हैं कि जैसे ये 4 है, अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, नो नीड, 4 वैसे भी कॉमन निकल रहा है, या कैंसिल कर दीजिए, तो 29+21, पहले भी कैंसिल ही कर सकते थे, सीधा सीधा ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 50/5 = 10, यानी आपको छोटी छोटी चीजें, मैं पूरे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ये एक्चुअल पेपर आपने दिया होगा, ये हो सकता है आप लोगों ने सॉल्व दोबारा भी किया हो, पर मैं इसको नए सिरे से इसलिए कर रहा हूं कि आप अपनी उस अप्रोच को, एनालिसिस को समझ पाए कि क्या चीजें थी जो आप उस समय क्लिक नहीं कर पाए, क्योंकि आप अपने फेवरेट टॉपिक की जगह वो टॉपिक को भी देख रहे थे जो आपने नहीं किए, तो ये कई बार प्रॉब्लम हो सकती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं और समझते हैं क्या क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा कैन नेवर बी इक्वल टू 1.5। आपसे बोला है कि कॉस थीटा और सेक थीटा कैन नेवर बी इक्वल टू 1.5, ठीक है, और एक है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा कैन नेवर बी लेस देन 2, मतलब ये लेस देन 2 नहीं होगा। बहुत अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, देखिए एक चीज समझिए, ये कॉस थीटा प्लस 1/cos θ है, अगर इन दोनों को देखें तो एक 1 है, मतलब ये रेसिप्रोकल है उसका, और हमने ये पढ़ा हुआ है x+1/x > 2 होता है, या x+1/x < -2 भी होता है, इससे भी कम हो सकता है, अगर -5 ले लें तो उससे भी कम हो सकता है। अब यहां पर इक्वल टू ठीक 1.5 बोला है, ठीक जब ये 1 होगा, ये 1 होगा तो 2 मिलेगा, तो 1.5 तो कभी नहीं होगा, आपको बताना है कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये 1.5 नहीं होगा, ये ठीक है।
अब बात आती है कि कैन नेवर बी लेस देन टू, क्या ये दो से कम हो सकता है? इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा टू या टू से बड़ा होगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ठीक 45 डिग्री रखेंगे तो टू मिलेगा, वन प्लस वन, या फिर टू से बड़ा होगा। बट आप भूल गए, अगर मैं आपसे बोलूं टेन माइनस 45 प्लस कॉट माइनस 45, तो ये भी माइनस वन, ये भी माइनस वन, तो माइनस टू, ये लेस देन टू ही है। कई बार ये चीज क्लिक नहीं करेगी, ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी उलझ जाते हैं। लीव दिस क्वेश्चन, अगर आपको लगता है कि बाई चांस कंफ्यूजन है तो छोड़ देना, ज्यादा अच्छा अटेम्प्ट करने का। तो इसका मतलब इसका ओनली वन आंसर करेक्ट हुआ, राइट, ओनली वन करेक्ट हुआ। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का, जिसके लिए मैं आपको बोलूंगा कि ये सबसे आखिरी में करने वाली स्टेज होती है, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन का स्टेटमेंट लॉन्ग होता है। डायग्राम बनाते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं, ओवरऑल टाइम कंपेयर टू अदर ज्यादा होता है, तो बेटर है कि इस क्वेश्चन को आप अभी स्टॉप कर दें। अब थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं और समझते हैं क्या है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ कॉर्ड, अब समझिएगा ये सब क्यों मैं कर पा रहा हूं, क्योंकि मुझे फॉर्मूले क्लियर है या बेसिक क्लियर है। यहां पे भी जो बच्चे आते हैं उनको मैं यही बोलता हूं कि कई बार फॉर्मूले ही नहीं पता होते, कई बार कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, ये प्रॉब्लम होती है। इन चीजों को ही डेवलप करना, अगर आप ये चीजें डेवलप करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, कहीं परेशान नहीं होना। तो क्या बोला, देखिए, व्हाट इज द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ अ यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल मतलब जिसका रेडियस वन है, विद सबटेंड एन एंगल थीटा एट द सेंटर। मतलब सीधा सा लॉजिक है कि अगर एक सर्कल पर हम ये मान लीजिए कॉर्ड है, तो इसकी लेंथ बतानी है जो कि सेंटर पर थीटा का एंगल बना रहा है, राइट। अच्छा, आपको ऑप्शन भी दिए हुए, किस तरह के दिए जरा देखें, साइन थीटा बाय टू, कॉस थीटा बाय टू, टू साइन थीटा बाय टू एंड टू कॉस थीटा बाय टू। अब ये यूनिट सर्कल का, यानी इसकी लेंथ वन, इसकी लेंथ वन, इसकी लेंथ हम अभी डी मान लेते हैं। अब आपको केवल थीटा पूछा। अब अगर आप ध्यान दें, अब क्या होता है, जैसे इसमें अब आप में से कोई क्वेश्चन अगर बाई चांस नहीं कर पाएगा, अगर आपको एक कोसाइन फॉर्मूला पता हो आप विद इन अ सेकंड कर सकते हैं। क्या होता है कोसाइन फॉर्मूला, रिवाइज करें, ये चीजें कई बार क्लियर नहीं होती इसलिए दिक्कत होती है। ये साइड है, ये बी है, ये सी है, तो कॉस ए क्या होता है, जिस भी एंगल को निकालते हैं उसकी साइड का स्क्वायर माइनस अपोजिट साइड का स्क्वायर अपॉन टू बी सी। सेम थिंग, अगर मुझे ये एंगल निकालना है तो इसकी अपोजिट साइड ये है, तो अगर मैं कॉस थीटा लिखूं तो होगा, देखिए, दिस साइड स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन टू इंटू वन इंटू वन, ये हो गया टू कॉस थीटा इक्वल टू टू माइनस डी स्क्वायर, यानी डी स्क्वायर इक्वल टू टू कॉमन ले लें तो वन माइनस कॉस थीटा, इसको इधर ले गए, इसको इधर लाए, क्या हुआ, बहुत आराम से समझिएगा, टू इंटू टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ये स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ले लेंगे, और लेंथ की बात कर रहे हैं इसलिए प्लस माइनस ना लें, तो टू साइन थीटा बाई टू, यानी इस साइड की लेंथ हुई टू साइन थीटा बाय टू। क्लियर बात, ये आ गया टू साइन थीटा बाय टू। आप देखिए इसमें एक ऑप्शन भी है, यानी आप किस अप्रोच से पेपर को सोच रहे हैं, किस अप्रोच से पेपर को कर रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन नोट कर लीजिए एंड नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं और इसको समझते हैं। एक एक टॉपिक्स पे मैं आपके साथ अच्छे से वर्क करूंगा, जिससे आप समझ पाए कि क्या चीज है जिसमें आप मिस्टेक करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो देखिए, व्हाट इज टेन इंटू टू टेन इनवर्स वन बाय थ्री। अब समझिए, यहां पर टेन इनवर्स टेन थीटा हमें पता है थीटा होता है, बट ये टू है, तो केवल आपको ये बेसिक फॉर्मूला, आप इस समय इनवर्स के पूरे फॉर्मूले अगर नहीं आते तो रिवाइज कर लीजिए, लास्ट टाइम के लिए बता रहा हूं कि एक एक टॉपिक पे कैसे वर्कआउट करेंगे। तो अब आप केवल ये फॉर्मूला लगाइए, टू टाइम्स ऑफ तो जाएगा टेन इनवर्स, अब देखिए स्टेप कम से कम लिखना, टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो इसका मतलब ये, फिर जब ये टेन होगा तो ये टेन से टेन कैंसिल, तो आप कोशिश करिए डायरेक्ट लिखें, तो टू अपॉन वन बाय थ्री, वन माइनस वन बाय नाइन, यानी टू बाय थ्री अपॉन एट बाय नाइन, ये थ्री टाइम कैंसिल, ये फोर टाइम कैंसिल, तो कितना आ गया,
3/4 इज अ राइट आंसर। समझिए, अब आपकी स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। आप पहले अगर ये लिखते 2 × 1/3, 1 − 1/9, फिर जितनी स्टेप बढ़ाएंगे उतना टाइम आपका बढ़ता जाएगा। राइट, ये हुआ क्वेश्चन नंबर फोर्थ। मैं आपको टोटल क्वेश्चन बताता हूं, एक ही क्वेश्चन छोड़ा, वो भी रीजन है कि उसको हम अभी नहीं करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर आप इस ढंग से क्वेश्चन को पकड़ेंगे तो शायद जल्दी कवर कर पाएंगे। अब देखिए, मैं अगर बात करूं कि यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन और समझिएगा। इफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल एबीसी आर इन एपी, क्या बोला है? इफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल एबीसी आर इन एपी, ठीक है, बी बाय सी दिया है √3/√2, ओके, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए, आपसे एंगल ए पूछा है। इसके लिए वैसे मैंने आपको पूरी साइड के साथ एंगल याद करवाया था, बट ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, आपको ये फॉर्मूला यूज करना चाहिए, साइन फॉर्मूला, साइन ए अपॉन बी साइन। अच्छा, एंगल कभी भी एपी में हो तो तीनों एंगल का सम आपको पता है 180 होता है, ए प्लस सी को 2b, तो बी हमेशा ही 60 होता है। अब ये गिवन है, देखिए सिंपल, साइन बी अपॉन बी कितना है √3, साइन ये भी 60 लिख दीजिए, और साइन सी अपॉन √2, √3/2, तो एक तरह से 1/2 इक्वल टू साइन सी अपॉन √2, यानी साइन सी इक्वल टू 1/√2, तो सी आ गया 30 डिग्री, वो सॉरी सी आ गया 45 डिग्री। अब एक एंगल 45 हो गया, एक 60 हो गया, तो ऑब्वियसली बचा हुआ क्या हो गया, 75। अब ये मैंने आपको याद भी करवाया था, पर कितना सिंपल कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है, यही छोटी छोटी चीजें अगर आपने समझ ली तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप उलझेंगे नहीं। यानी बेस जो मैं यहां पर कोशिश करता हूं क्लास में बच्चों के साथ, वो यही करता हूं, या ऑनलाइन वाले बच्चे, कि हम अपने बेस को कैसे बनाए स्ट्रांग, और दूसरा किस ढंग से पढ़े कि चीजें क्लिक करने लगे। राइट, अब नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए जरा क्या क्वेश्चन है और इसको समझिएगा। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि इफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ टेन ए माइनस टेन बी, ये दिया है एक्स, कॉट बी माइनस कॉट ए दिया है वाई, आपसे पूछा है कॉट ए माइनस बी। दो तरीके हो सकते हैं, चाहे तो कॉट का ही फॉर्मूला यूज कर लें या टेन के टर्म में बना लें, मतलब वो आपके ऊपर है। कई बार आपको कॉट में कंफ्यूजन होता है, आप भाई ऐसे लिख लेना, क्या दिक्कत है। और इसको भी जब फॉर्मूला यूज करेंगे तो टेन ए टेन बी प्लस 1/10a − 10b, अगर कॉट का कंफ्यूजन नहीं तो डायरेक्ट कॉट का लगा लें, कॉट ए कॉट बी माइनस प्लस 1/cot b − cot a, यानी ये आपके हाथ में है कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं। बट मैं इन जनरल आपके सेंस, आपके एंगल से सोचते हुए पेपर सॉल्यूशन दे रहा हूं। अब देखिए, टेन ए माइनस टेन बी की वैल्यू है 10a × 10b + 1, अब इसकी वैल्यू भी हम डायरेक्ट ला सकते हैं, उलझना नहीं। अगर मैं इसको 10 में कन्वर्ट करूं तो देखिए ये ऐसा होगा, 10a − 10b / 10a × 10b, दिस इक्वल टू y। तो इसका मतलब लॉजिकली देखें तो 10a 10b हो गया, ये x है तो x/y। देखिए क्वेश्चन कितने टेक्निक के साथ करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, अपॉन x, राइट, x/y + 1/x। अब इसको अगर मैं एलसीएम ले लूं तो x + y / xy, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1/x + 1/y। अब ध्यान दीजिएगा, एक आंसर ऐसा भी दिया है xy/x + y, ऐसा मिस्टेक ना हो जाए आपसे। क्या होता है कई बार सही करते हो गलत कर लेते, इसलिए मैंने आपको 10 के टर्म में करवाया, कॉट के नहीं। पर अगर इससे करते तो आपको कॉट बी माइनस कॉट ए दिया हुआ है, इसको कॉट में कन्वर्ट करके ये वैल्यू भी निकाल सकते थे। राइट, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। यस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 sin α cos β प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या। कुछ नहीं करिए, इन दोनों को ध्यान से दीजिए, बस आपको आगे पीछे लिख दिया है तो। और अभी हम एक साल के नहीं, कई और साल के भी पेपर करेंगे,
एक एक टॉपिक पे कमांड बनाएंगे, आपको फायदा मिलेगा. टू साइन अल्फा कॉस बीटा, दिस इज टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस टू साइन अल्फा कॉस बीटा, ये कैंसिल, तो रिजल्ट विल बी जीरो. यानी सीधा सीधा फॉर्मूला यूज करना था, राइट. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है. टू टेन ए प्लस इक्वल टू, सॉरी, थ्री टेन बी इक्वल टू वन, देन वॉट इज टेन ए माइनस बी. सिंपल क्वेश्चन है. देखिए टेन ए क्या दिया, ये स्टेप लिखनी नहीं, ये समझनी है. वन बाय टू, टेन बी दिया है वन बाय थ्री. सीधा सीधा फॉर्मूला लगाइए. ये भी स्टेप मत लिखिए कि टेन ए माइनस बी, ये मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूं कि अभी आपको अगर नहीं आती तो क्या क्या चीजें हैं जो डेवलप करनी चाहिए. आप लोगों में से जो 12 दे रहा है, आपको डिवीजन तो वैसे भी ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फॉर्मूले का करना ही है. तो 1 बाय टू प्लस 1 बाय थ्री अपॉन 1 माइनस 1 बाय सिक्स, सीधा सीधा 5 बाय सिक्स अपॉन 4 बाय सिक्स, ये कैंसिल. तो 5 बाय, सॉरी, ये a माइनस बी ना, तो ऊपर बेटा माइनस आएगा, नीचे प्लस आएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाय सिक्स अपॉन 7 बाय सिक्स, देन 1 बाय सेवन, राइट. तो 1 बाय सेवन इज अ राइट आंसर. फिर देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा, बहुत हेल्प करेगा. तो ये आखिरी 50 दिन आपके लाइफ के गोल्डन डे हैं, इनको कैसे इन्वेस्ट करते हैं सब कुछ इस पर डिपेंड करेगा. व्हाट इज कॉस 80 प्लस कॉस 40 माइनस कॉस 20. काफी सिंपल है, सीधा सीधा सीडी लगा दें. तो अब क्या होता है, ये देखिए, ये मैं साइड में इसलिए लिखता हूं कि आपको समझा पाऊं. सी प्लस डी बाय टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाय टू, तो ये होगा टू टाइम्स ऑफ कॉस 120 यानी 60 इंटू कॉस 20 माइनस कॉस 20. कॉस 60 वन बाय टू कैंसिल, तो रिजल्ट विल बी जीरो. यानी इतने अच्छे अच्छे बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं जो आप बहुत इजीली कर सकते हैं, राइट. वन शॉट में, वन स्टॉप में, वन नॉन स्टॉप क्वेश्चन करने हैं, सांस लेने के लिए भी नहीं रुकनी. ये चीज आपको डेवलप करनी है, और ये जब पॉसिबल होगा जब आपके फॉर्मूले पे कमांड होगा. फॉर्मूले हथियार होते हैं, आप डिफेंस में जा रहे हो, बिना हथियारों के लड़ाई नहीं लड़ते. बिल्कुल वैसी ही बात यहां पर अप्लाई होती है कि अगर मैथ्स करने जा रहे हो और फॉर्मूले ही नहीं है, टूल्स ही नहीं है, तो कैसे आपका काम चलेगा. अब देखिए क्या है, कॉट ए बाय टू माइनस टेन ए बाय टू, हमने कई बार पढ़ा है. कॉट ए माइनस टेन ए इज कॉस टू ए अपॉन साइन टू ए, और क्योंकि टू नहीं होता तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते, यानी टू टाइम्स ऑफ सीधा सीधा कॉट ए इज अ आंसर. तो टू टाइम्स ऑफ ए बाय टू है यहां पर, तो यहां पर अच्छा ये सॉरी सॉरी हाँ टू टाइम्स ऑफ कॉट ए, ये इसका आंसर हो गया. क्या किया, कॉस ए बाय टू. अब देखिए जब आप ऐसी स्टेप्स लिखते हैं, आप खुद को टाइम बढ़ा लेते हैं, और टाइम बढ़ा लेते हैं तो अटेम्प्ट कम होते हैं. फिर आपने लिखा कॉस स्क्वायर ए बाय टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाय टू अपॉन साइन ए बाय टू इंटू कॉस ए बाय टू, एंड दिस इज कॉस टू ए, तो कॉस ए अपॉन टू का मल्टीप्लाई डिवाइड साइन ए, और वन बाय टू ये आ गया, तो ये आ गया टू टाइम्स ऑफ कॉट ए. बट ट्राई करना है डायरेक्ट लिखे हर चीज, इवन आप चाहे तो एंगल रख के कर सकते, पर जो क्वेश्चन बिना एंगल के बिना किसी स्टेप के कम हो रहा समय में, उसको क्यों ऑप्शन से करना. कई लोग ये भी सोचते हैं कि ऑप्शन से करना चाहिए, मैं भी बोलता हूं करूं, पर अभी तक मुझे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा जिसको आपको ऑप्शन से करना चाहिए, क्योंकि हर क्वेश्चन मैथड से कंपेयरली जल्दी सॉल्व हो रहे हैं. तो आप उससे करिए, समझ में आया, नोट करिए क्वेश्चन को. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन है, समझिएगा जरा और अच्छे से कंसेप्ट बनाइएगा. कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए इक्वल टू, अब फिर वही पूछा है, सिंपल है, हाफ एंगल फॉर्मूले से आप इसे डायरेक्ट लिखें, वन प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, एंड दिस इज टू कॉस स्क्वायर ए बाय टू टू साइन ए बाय टू कॉस ए बाय टू, टू से टू कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, तो कॉट ए बाय टू इज अ राइट आंसर, राइट. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्या है, 10 25 10 15 प्लस 10 15 10 50 प्लस 10 25 इंटू 10 50 इक्वल टू, इस तरह के ऑप्शन है 0 1 2 एंड 4. अब सुनिए, एक कंसेप्ट है, अगर इस एंगल को ऐड करें तो 25 प्लस 15 हुआ 40 प्लस 50 90. कभी भी याद रखिएगा, अगर
थीटा का सम, सारे एंगल का सम 90 है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी यदि 90 है और ए प्लस बी प्लस सी यदि 180 है तो क्या चीज याद रखना, मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो याद रखिए ए प्लस बी प्लस सी 90 है तो टेन ए टेन बी प्लस टेन बी टेन सी प्लस टेन सी टेन ए इक्वल टू 1 होता है, और अगर 180 है तो टेन ए टेन बी टेन सी इक्वल टू टेन ए टेन बी टेन सी होता है। कैसे मैं बताता हूं, 90 वाला कंसेप्ट समझाता हूं। देखिए अगर मैं टेन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला यूज करूं तो क्या होगा, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी। ये क्वेश्चन कई बार लोगों को एकदम क्लिक नहीं करता, जबकि कितना अच्छा कंसेप्ट है। यही छोटी छोटी चीजें जब मैं बोलता हूं ना कंसेप्ट बना के पढ़ो, कैसे पढ़ना है, यहां पे जब बच्चों को बताता हूं कि ये चीजें पढ़नी है, जब समझ में आता है कि हम क्या पढ़ने में मिस्टेक कर रहे थे। 1 माइनस टेन ए टेन बी टेन बी टेन सी एंड टेन सी टेन ए। अब देखिए अगर 90 हुआ तो सोचिए क्या होगा, 1 बाय 0 तो ये 0 इधर चला गया, ये बचा तो ये टेन ए टेन बी प्लस टेन बी टेन सी ए माइनस इक्वल टू 1, तो ये रिजल्ट 1 हो गया, और 180 होता तो ये 0 होता तो क्रॉस मल्टीप्लाई में ये 0 हो जाता, ये इसका लॉजिक है। अब देखिए यहां पर अगर हम देखें तो मैं गिनता हूं क्वेश्चन कि कितने क्वेश्चन हैं, तो अगर हम देखें यस करीब करीब ये जो है क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और उसको मिला लें तो 14, यानी 14 क्वेश्चंस हैं, राइट। अब आप सोचिए 14 क्वेश्चन का मतलब हो गया लगभग 35 मार्क्स, यानी और अभी मान लो इसमें हेड एंड स्टेंस का टाइम ले रहा हो तो छोड़ दिया है, वो भी करेंगे बाद में डिस्कस। तो अब आप मुझे ये बताइए कि अगर मान लीजिए हमने 12 भी कर लिए तो हमारे 30 नंबर्स श्योर है, यानी अगर 120 कट ऑफ मान ले हायर साइड तो 1/4 आप केवल ट्रिग्नोमेट्री से स्कोर कर सकते थे। तो एक प्रॉपर वेल सिस्टमेटिक प्रिपरेशन का आप हमेशा फायदा उठा सकते हैं। कुछ भी नहीं पढ़े, बहुत नहीं पढ़े, कम पढ़े, पर सही तरीके से पढ़े। और ये केवल 19 का नहीं, अभी हम एक एक टॉपिक पे वर्क करेंगे, और मैं आपके साथ मैंने अभी बोला है कि वर्क वो होगा जिससे आप समझ पाए क्या करना है और क्या पढ़ना है। तो अब आपको ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ना है वो समझ में आ गया होगा। अभी एक और सेशन लूंगा, इसके और भी कुछ सेशंस लूंगा जिसमें आपको मैं बता पाऊंगा कि आप क्या क्या चीजों पे फोकस करें जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।